लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। करण, बाहर आ जाओ, नहीं तो हम पूरा होटल जला देंगे। बुजुर्गों की तरह जिंदा जलकर खुदकुशी करना चाहता है क्या? करण, होटल में और भी बहुत से लोग हैं और उन सब की मौत का जिम्मेदार तू होगा। होटल का टोटल जीरो हो जाए, इससे अच्छा है कि मैं अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दूं। उस दिन तो तू हमारे हाथों से वो लड़की बचा कर ले गया था, मगर आज अपनी जान कैसे बचाएगा? सही बात, नहीं बचेगा। तो ले फिर अपने भगवान का नाम। मेरा भगवान तो मेरी रोटी है। थोड़ा पानी पी लूं। पी ले। आज तूने करण की जिंदगी बचाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान किया है। करण की नहीं, मैंने तो अपनी जिंदगी बचाई है। तेरे बिना मेरी जिंदगी में रखा ही क्या है? अरे मेरी जिंदगी का क्या भरोसा, मैं तो रोज पहलू में मौत लेकर सोता हूँ और मौत लेकर जागता हूँ। मेरे होते मौत की नहीं, जिंदगी की बात कर। क्यों सुहागन बनने से पहले विधवा बन जाना चाहती है? क्या बात करता है, जिएंगे तो करण के साथ, मरेंगे तो करण के साथ। ऐसा? ऐसा। तो फिर जा अपनी माँ को बोल दे, आते मंगल को तू दुल्हन बनेगी। ओ करण, इसे कहते हैं उंगली पकड़ते पकड़ते पहुंचा पकड़ना। तुम यहाँ मेहमान बनकर आए थे, अब जवाई बनना चाहते हो। मैं छुटकी से तुम्हारी शादी कर दी। अरे साहब, अरे शादी तो एक बार हमने की थी साहब। नहीं, हमने शादी नहीं। इकबाल, तुम्हारी ये बात सुनकर मेरे भरोसे के पांव डगमगाने लगे हैं। अब जब तक मैं तुम्हारी माँ से नहीं मिलता, छुटकी से तुम्हारी शादी नहीं होगी। राम भरोसे जी ने तो बोल दिया, छुटकी से शादी करना चाहता है तो अपनी माँ को लेके आ। मैं माँ को कहाँ से लेके आऊंगा भगवान? तू ही कोई रास्ता दिखा दे, तू ही भेज दे किसी को। भेज दे, भेज दिया। परमात्मा ने मेरी सुन ली। माँ, क्या परमात्मा ने तुम्हें मेरी शादी के लिए भेजा है? क्या? हाँ, निशा को मेरे लिए भेजा है, मेरी शादी के लिए। तेरी शादी? हाँ हाँ, मेरी शादी। वो मेरा होने वाला ससुर है ना, राम भरोसे होटल का मालिक, वो अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में देने को तैयार है, लेकिन उससे पहले वो मेरी माँ से मिलना चाहता है। अगर निशा थोड़ी देर के लिए मेरी माँ बन जाए तो। मैं? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, मुझे शक्ल बिल्कुल मेरी माँ जैसी है। मम्मी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। मेरा दिमाग खराब हुआ नहीं, मगर हो जाएगा। देख, अगर ये मेरी माँ नहीं बनती, तू थोड़ी देर के लिए बन जाना बहन। बेटी, मैं तेरी माँ नहीं बन सकता। समझ गया, जब बुरा वक्त आता है तो कोई किसी की माँ बनने को तैयार नहीं होता। इकबाल, अब तुझे खुद ही कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। नमस्ते जी। नमस्ते जी। राम भरोसे जी आप ही है ना? जी हाँ, आप इकबाल सिंह की माता जी हैं। पहचान लिया आपने, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए 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 आइए। वाह 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 वाह, विधवा होने पर भी आप ऐसा श्रृंगार करती हैं। क्या करें, जब से प्रेम रोग देखा है तो हमें भी एहसास हुआ कि हम विधवाओं को भी जिंदा रहने का हक है। वाह 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 वाह, आपकी शक्ल बिल्कुल इकबाल सिंह से मिलती है। हाँ, बेटे माँ पे ही जाते हैं ना? और बेटी बाप पे।
मेरी बेटी बिल्कुल मेरे पे गई है। तो क्या उसका कद भी आप ही की तरह? अजी कद को छोड़िए, कद की बात हाँ, वैसे कद से कुछ होता भी नहीं। इकबाल के पिता है ना, वो भी बड़े छोटे कद के थे। पहले पहले तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई, उसके बाद मैंने निभा ली। और आप खुद ही सोचिए, आपकी बेटी और हमारी कितनी अच्छी। आइए बैठिए बैठिए बैठिए। देखिए आप चिंता मत कीजिए, मेरी बेटी बिल्कुल आपको तकलीफ नहीं देगी। आप बिस्तर पर बैठकर सारी जिंदगी हुकूमत कीजिए। हाँ हम हुकूमत क्यों करेंगे, अगर हम बिस्तर में रहेंगे तो वो हमारे साथ बिस्तर में रहेगी। हाँ, हम उसे आप नजरों से दूर नहीं होने देंगे। हाँ माफ कीजिए, मैंने आपको आने की तकलीफ दी। तकलीफ काहे की, तकलीफ तो हमें एक बार हुई थी जिंदगी में। ऐसी तकलीफ ऐसी तकलीफ ऐसी तकलीफ, गांव में तकलीफ, मोहल्ले में तकलीफ, आगे तकलीफ, पीछे तकलीफ, ऊपर तकलीफ, नीचे तकलीफ, तकलीफ ही तकलीफ, लेकिन हमने उफ़ तक नहीं की। वाह 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 वाह, बेटा वहां पर जाए तो ऐसा इकबाल भी बिल्कुल आप ही की तरह बात करता है। लेकिन सिर्फ आपने ये नहीं कहा कि आप वहां पर थे। नहीं नहीं नहीं, आप वहां पर नहीं थे। क्योंकि हमें मालूम है क्या, आप वहां नहीं थे। वहां तो सिर्फ वो थे, इकबाल के पिता। आप जल्दी कीजिए, हमारी होने वाली बहू से मिलवाइए ना, हमारा दिल कितना बेचैन हो रहा है, फड़फड़ा रहा है। चलिए चलिए चलिए, आइए आइए। हाँ चलिए, ऐसे ही फड़फड़ा। चलिए चलिए चलिए। छुटकी की माँ, छुटकी की माँ, देखो कौन आया है। इकबाल की माता जी। नमस्ते। नमस्ते, पाँव छुओ बेटी। अरे अरे, ये क्या कर रही हो तुम? तुम पैरों में नहीं, तुम तो हमारे जिगर में रहती हो, हमारे जिगर के टुकड़ा हो। कितनी प्यारी लग रही हो, तुम्हें नजर न लग जाए। हाँ जी चाहता है तो मैं चूमती रहूँ चूमती रहूँ चूमती रहूँ चूमती रहूँ। बेटी बेटी जाओ, उनके लिए चाय बना के लाओ। नहीं, इसे मुझसे अलग मत कीजिएगा, चाय आप बना के लाइएगा। मैं चाय छोड़ सकती हूँ लेकिन इनसे दूर नहीं रह सकती। कितनी कोई बात नहीं, मैं बना कर लाती हूँ चाय। नमस्ते। नमस्ते, मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। आप ही राम भरोसे जी हैं ना? जी हाँ, मैं ही हूँ जी। मैं इकबाल की माँ हूँ। आप इकबाल की माता जी हैं? क्यों, आपको कोई शक है? नहीं। क्या है कि इकबाल के पिता को ना जरा सौंडे सलोने पसंद थे। हाँ। अच्छा अच्छा, लेकिन एक बार बाप पर ही गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, बेटा हमेशा बाप पर जाता है जी, और बेटी माँ पर। एक बात पूछूं? पूछिए ना। इकबाल सिंह का बाप तो एक ही था ना? क्या मतलब? मेरा मतलब यह है कि इकबाल सिंह के बाप की दो पत्नियां थी। वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। आप कैसे बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जी मैं बहक जाऊंगा, आप बैठिए, आप बैठिए, बैठिए, मैं भी आता हूँ। आप भी इकबाल सिंह की माता जी हैं? वाह वाह, क्या पहचाना आपने। सारे गांव वाले कहते हैं मेरी और इकबाल की शक्ल बहुत मिलती। क्यों नहीं, बेटा हमेशा माँ पर ही जाता है। माँ पर नहीं, बाप पर। कुछ भी हो, देखिए एक माता जी ये बैठी हैं, दूसरी माता जी आप हैं, तीसरी माता जी अंदर बैठी हैं, और तो मुझे वो भी नकली मालूम होती है। मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। अगर पहले मालूम होता तुम आ रही हो तो मैं माँ नहीं बनता। कुछ भी कहो, तुम लग बहुत अच्छी रही हो। चल छूटी, मैंने सोचा तुम्हारा दोस्त है, कहीं तुम बुरा न मान जाओ, इसीलिए मैं चली आई। आइए आइए, छोड़िए ना, कल मुड़ जाएगी। ये देखिए, मैं अभी पुलिस को बुलाकर लाता हूँ। ये मेरे साथ धोखा है, मेरी बेटी के साथ धोखा है। नहीं नहीं राम भरोसे जी, ये धोखा ये धोखा नहीं है राम भरोसे जी, ये तो हम दोनों की मोहब्बत के इम्तिहान का नतीजा निकला। देखिए ना, हमारी मोहब्बत इतनी पाक है कि हमारे दोस्तों ने भी अपने कीमते वक्त की कुर्बानी दे दी। अब ये शादी हो जानी चाहिए। नहीं, हो जानी चाहिए नहीं, ये शादी मुझे मंजूर है।